निसी के कैथल रोड पर हम मौजूद हैं, जहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर तमाम दिक्कतों का सामना, मार्केट में जो तमाम दुकानदार हैं उनको समस्या आ रही है। ऐसे में कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। सुरजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है भाई साहब, हमने कम से कम 10 बार तो MLA के पास जाए हैं और सिंगला जी के पास तो 3-4 बार तो यहाँ मार्केट कमेटी में वैसे मिलते रहते हैं। पहली बात तो ये गंदगी इतनी है हमारे आस पास में कि यहाँ बैठना ही हमारा 2-4 हो गया। स्कूल है, शमशान घाट है, ये सोसाइटी है, कॉलेज है, लड़कियों का मंदिर है, गुरुद्वारा है, इतनी हमारे को यहाँ परेशानी है अभी हद से ज़्यादा। और नंबर दो हमारा यहाँ नाला बनना चाहिए था, पीछे गुरुद्वारे तक तो नाला बन गया और ये गुरुद्वारे से लेके पुल तक नाला नहीं है। हमारी दुकानों में पानी चला जाता है, हमने SBO फैक्ट्री वगैरह सबसे संपर्क किया है, करना है ना किया। वही बात करें तो 87 लाख रुपए की लागत से नई अनाज मंडी के पीछे अस्थायी तौर पर जो डंपिंग ग्राउंड की साइड है वो बनाई गई है। साइट बनाने के बावजूद भी यहीं पर ये जो कूड़ा करकट के जो ढेर हैं, धुआं उड़ता रहता है, पूरी तरह से बदबू आती रहती है। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं यहाँ से गुजरते हैं, सांस लेना दूभर हो गया, तो ऐसे में क्या कुछ कहें? हमारा तो रहना भी दुराचार हो गया, इतनी बदबू आती है जब बारिश होती है ना, इतनी बदबू आती है यहाँ पे कि हमारे पास खास काम करवाने के लिए आता है, वो कहता है कैसे बैठे हो आप यहाँ पे? हमारे पीछे घर भी हैं दुकानों के, तो हमारा रहना वहाँ यहाँ पर बच्चों को मतलब आने वाले टाइम में अगर गर्मी ऐसी रही तो बारिश बीमारी पैदा हो जाएगी या नया कोरोना आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कोरोना तो आया ही हुआ है, कोरोना और आ जाएगा जितनी मतलब गंदगी है यहाँ पे, अगर नहीं उठाया गया तो। हमने तो 2-3-4 बार मांग की है, MLA के पास गए हैं, चेयरमैन के, SBO सेक्रेटरी जो इनका CA होता है बड़ा, उनके पास भी गए हैं, कोई समस्या का हल नहीं हुआ हमारा।